ओ भाई साहब, इतने सारे हस्कीज और वो भी प्योर व्हाइट कलर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम अगेन टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अनुतुष व्लॉग्स। गाइस, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। और वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हस्कीज के साथ होने वाली है पूरी फुल ऑन मस्ती। तो गाइस, फ्रेंच मैस्टिफ तो आपने देख ही लिया। अब ये देखिए, ये है व्हाइट कलर में हस्की, प्योर व्हाइट कलर में। पाजी, क्या नाम है इसका? सर, इसका नाम है सर कैंट। कैंट, अच्छा कैंट तो भाई आपने देखा होगा राजपुरा वाली वीडियो में। नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो पाजी, इसकी जो आई का कलर है, वो आई का कलर क्या रहता है? सर, ब्लू आईज होती है इनकी। ब्लू आईज, हाँ जी। ऑल राइट, और ये इसकी हाइट क्या है पाजी? हाइट कितनी है? हाइट सर होगी, वही 20 इंच होगी इनकी हाइट कम से कम। ये पाजी आपने कहाँ से लिया था? क्योंकि एक्चुअली जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, वो चल रहा है ब्लैक और व्हाइट, या फिर थोड़ा ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन हस्की का। ये प्योर व्हाइट आपको कहाँ से मिलेगा पाजी? सर, हमने 25 दिन का लिया था, इसके मदर फादर इम्पोर्ट थे। इम्पोर्टेड थे? कहाँ से इम्पोर्टेड थे पाजी? वो भी थाईलैंड इम्पोर्ट थे सर। थाईलैंड इम्पोर्ट, ऑल राइट। तो मतलब ये थाईलैंड इम्पोर्टेड वाली लाइन है, ब्लड लाइन है सारी। उनका बच्चा लिया था हमने। ओके, उसके बाद मैंने दो स्टार्ट इम्पोर्ट कराए। अच्छा, आपने पाजी फ्रेंच में स्टीव से तो स्टार्ट किया ही किया। हाँ जी। फिर आपको ये व्हाइट कलर के हस्कीज में क्या मतलब ऐसे वो आया आपके मन में आइडिया कि आप इसकी भी ब्रीडिंग करें? मैं आपको सर बताता हूँ चक्कर क्या था। पहले मैं ब्रीड किया ओनली फ्रेंच मस्टिफ ने, ठीक मैं है, और किसी में ब्रीड नहीं किया आज तक भी। फिर मेरे पास ना चक्कर के हस्की का क्रेज बहुत हो गया था 4-5 साल पहले। हाँ हाँ। तो मैंने ना दो फीमेले मंगवाई, एक नासिक से एक बैंगलोर से। ओके। वो दो फीमेले थी, फिर मीटिंग के लिए जाना पड़ता था। फिर चक्कर क्या था, हम लोग थोड़ा सा व्हाइट होता है कॉस्टली। कॉस्टली, हम अच्छा वो जो कॉम्बिनेशन से ज्यादा कॉस्टली होता है, थोड़ा व्हाइट ज्यादा कॉस्टली होता है। फिर हम उस चक्कर में पड़ गए, हमने देखा भी स्टड चाहिए अपना एक, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। फिर हमने ये कैंट लिया, 25 दिन का था जब लेकर आया हम इसको, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया, फिर इसका बेटा हो गया साथ में, फिर दोनों मीटिंग मूटिंग करते रहे। ये भी फ्रेंडली है भाजी? पूरा सर, ये तो पूरा फ्रेंडली है। गाइस चेक कीजिए, मतलब यार सच में वही सोशलाइजेशन की जहाँ बात करते हैं यार, सोशलाइज कराना बहुत ज़रूरी है अपने डॉग्स को, और डॉग्स के साथ एज वेल एज विद ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। तो पाजी, इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी हो जाती है? हाइट सर इसकी ज़्यादा ओवर हाइट है सर, ये तो ओवर हाइट है, थोड़ा ओवर हाइट है, हैवी बोन में है ना। हैवी बोन में है तो इसकी वैसे कितनी होगी? होगी अप्रोक्सीमेटली 20 तो होगी सर, 20 इंचेस होगी इसकी। 20 इंचेस, और इसका जो फर है गाइस, जो इसका आप टेल का फर देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा है यार सच में। मतलब वाइट, जो प्योर वाइट कलर होता है ना, बिल्कुल वाइट कलर में है। तो पाजी इसकी कुछ खास बात बता दो आप। सर वुशी कोट में है सर। वुशी कोट, थोड़ा नॉर्मल कोट से ज्यादा होता है, वुली कोट से कम होता है। ओके, फर कितनी। लो गाइस, जो आपको अभी हस्की दिखाया हमने, ये उसी का प्यारा सा बच्चा है। पाजी ये कितने टाइम का हो चुका है? सर ये भी 40 डेज का हो गया। ये 40 डेज का, और ये ब्लू आईज वाला है? हाँ जी सर, इसकी एक आंख ब्लू है, एक ब्लैक है, ऑड आईज है। ऑड आईज वाला है ये। ये फीमेल है सर, ब्लू आईज भी पड़े हैं, व्हाइट में भी पड़े हैं, ब्लू आईज ब्लैक एंड व्हाइट में भी पड़े हैं। ये किस रेंज में पाजी अवेलेबल है? सर ये भी 25 का सेल कर देंगे। 25,000 का, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये भी। जब हमारे कैनल में हमने वुली कोट भी इम्पोर्ट कराए थे, एक पेयर इम्पोर्ट कराया था, एक ये था, ये सबसे बड़ा था, मतलब 1-2 महीने बड़ा होगा। सारे कैनल में पार्वो आ गई थी। ओके, सारे डॉग मेरे, उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 7-8 लाख का मेरा लॉस हो चुका था, अकेला ये बचा था। ओहो। और ये बचा, उसने मेरा इतना नाम बना दिया हस्की वाइट में। अब जिससे मर्जी पूछ लो पंजाब में, हस्की वाइट राजू कैनल में बोलते हैं सभी। तो पाजी इनकी जो आप कॉस्टिंग ले रहे हो, अगर आपके पास कोई फीमेल आ रही है तो मतलब मीटिंग के लिए, तो उसके क्या चार्जेस रहते हैं? सर जो लोकल होती है तो हम पपर करवा देते हैं। लोकल मैंने इतनी फीमेल दे चुका हूँ ना, जो जितने मेरे आसपास गांव हैं, 40-50 फीमेल मैं फ्रेंडों को दे चुका हूँ। वो मीटिंग के लिए आ जाते हैं, जो बाहर से आती हैं, कोई और डिस्ट्रिक्ट से आती है तो उसे 30-35,000 जैसे मतलब का कोई कस्टमर आता है वैसे उनसे पैसे ले लेते हैं। पाजी जैसे ये हस्की है, हस्की का बहुत ही आप बोल रहे हो कि क्रेज चल रहा है, उतना ही क्रेज क्या अभी भी चल रहा है जितना आप बोल रहे थे 4-5 साल पहले चल रहा था? नहीं, अभी तो सभी जितने डॉग मार्केट है सभी है कि थोड़ा सा कमी चल रहा है सभी डॉग का।
रेट बहुत कम हो चुका है, मार्केट थोड़ी स्लो चल रही है, स्लो ज्यादा ही स्लो चल रही है, ज्यादा स्लो ज्यादा स्लो कोविड के बाद से मेरे को लगता है ऐसा हो गया। कोविड में ठीक रहा था, अभी तो ज्यादा स्लो चल रही है। कोई भी ब्रीड है, चाहे हस्की है, चाहे फ्रेंच मस्टिव है, चाहे लैब है, शेफर्ड है, ठीक है। बाकी चक्कर क्या आ जाती है, क्वालिटी होती है, फिर कोई बिल्कुल हाँ फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जैसे पाजी आपने फ्रेंच मैस्टिफ की क्वालिटी बताई थी लाइक है ना, और इसकी भी कुछ आप क्वालिटी बता दो। जैसे भी किसी को रहता ही है ना कि यार वो ब्रीड है जो वो प्योर होनी चाहिए। प्योर तो सर देखो तो आपको बच्चा देख कर ही पता चल जाता है हस्की का, बिल्कुल ठीक है कि कैसा कैसा नहीं है। बाकी थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है, उसका जो कान होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है यार। और मतलब ला लो उसकी आप। अभी पाजी जैसे समर्स आ चुकी हैं तो इनकी जो फर है, जो इनके हेयर है, आप इसको थोड़ा शॉर्ट करोगे या फिर अभी नहीं? नहीं मैं शॉर्ट करता नहीं सर जी। बाकी थोड़ा सा इसका ना देखो पीलापन आ चुका है इसके हल्का। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीलापन पिछली बार हमारी गलती से आ चुका था। वो कैसे पाजी? थोड़ा सा जैसे खेत हमारा खेती बाड़ी का काम है, ओके, फिर आज दिन में आकर ना थोड़ी जैसे आगे जून जुलाई में जाकर हम जीरी लगाते हैं, जैसे जहाँ पे वो लगे हूँ अपन तो वहाँ ले गए चावल लगाते हैं। नहीं वहाँ नहीं, उधर ध्यान ज्यादा होता है। अच्छा, उधर ध्यान ज्यादा होता है, इधर कम हो जाता है। फिर जो पिंजरा था वो था लोहे का, ओके, उसमें जर लगी बारिश के कारण। बिल्कुल, जब जर लग जाती है उसके जब वाल उसके लगते ना ब्राउन हो जाते थे। इस चीज की अभी ध्यान रखना पड़ता है। इसको लेकर जाएंगे, इसकी थोड़ी ग्रूमिंग कराएंगे, थोड़े इसका हेयर कटिंग करा देंगे थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, जो हल्का हल्का येलो दिख रहा है ना, हाँ देखो नीचे से व्हाइट है, देखो बिल्कुल व्हाइट है और ऊपर से थोड़ा सा हो चुका है पेल, मतलब येलो कलर। बाकी थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा येलो, बट पाजी वही बता रहे हैं भाई केयर करनी पड़ती है दिन रात। पाजी आपकी जो मैंने ट्रॉफीज देखी अभी आपको भी दिखाता हूँ व्यूअर्स, उसमें मतलब कितनी मेहनत लगती है थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताओ यार। ऐसे ऐसे नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है सर। ये उसमें मेहनत बहुत लगती है, देखो एक ट्रॉफी के पीछे बहुत मेहनत आती है, खर्चा भी बहुत होता है, खर्चा भी बहुत होता है। अब ये पहला हस्की है पंजाब में जो बेस्ट इन शो लग चुका है दो तीन बार। ऑल राइट, वरना कोई हस्की नहीं, व्हाइट नहीं लगता, व्हाइट को कम लगाते हैं, ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट लगता है। ओके, ये हमारा पहला कैंट है जो बेस्ट इन शो लग चुका है। कैंट यूकेसीए में लग चुका है, पेट शो में लग चुका है दो बार। बिल्कुल हाँ जी, वही है पाजी, मेहनत करेंगे तो भाई सफलता जरूर मिलेगी। कैंट की मस्ती पाजी, जैसे गर्मियों की बात करें है ना यार, मतलब फ्रेंच मैस्टिफ अभी देखा तो गर्मी उनको भी लगती है, मेरे को लगता है व्यूअर्स को लगता है कि हस्की को ज़्यादा गर्मी लगती होगी क्योंकि ये यार साइबेरियन अमेरिकन ऐसी ब्रीड में आ जाती है जहाँ विंटर्स रहती हैं ज़्यादातर है ना, और यहाँ पे इनका सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होता है? सर पहली तो आप देखा अभी आपने, अभी कमरे का जो टेम्परेचर है बिल्कुल सही है इनकी, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल तौंसते नहीं उसमें, कोई जीभ नहीं निकालते, आराम से सोते रहते हैं। ये गर्मी माने के जैसे हम इसको घुमाने के लिए ले जाते हैं, अब ये 2-3 किलोमीटर घूम कर आते हैं शाम को, शाम दूप, हाँ धूप में नहीं निकालते, जब सूरज छिपने वाला हो तब निकालते इसको। फिर उसके आने के बाद इसके ना हेड पे हम पानी डालते हैं, ओनली 5 मिनट लगा दो, 7 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगा लो, ओनली हेड पे डालते हैं, उनसे ये ठंडे हो जाते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन हो जाता है इनका। मतलब अगर वॉक करवा रहे हो गर्मियों में वापिस आएंगे तो हेड पे थोड़ा सा पानी डाल दें, 4-5 मिनट ज्यादा जरूरी नहीं, उसको नहलाना है ठीक है, नहीं हेड पे पानी डाल दो आप 5-10 मिनट, उसके बाद खाना खाते हैं। और इसकी डाइट क्या रहती है भाई? डाइट में सर आपको पहले जो फ्रेंच मस्टिफ की है सेम डाइट, सेम डाइट है। आप वेज देते हो या नॉन वेज देते? सर मैं वेज देता हूं, मैं चिकन आज तक नहीं डाला इनको, देखो सभी डॉग का बॉडी वेट चेक कर लो भाई साहब, ये बात तो खरी है पाजी की। पाजी बोल रहे हैं कि वेज डाइट देते हैं, नॉन वेज बिल्कुल भी ये अलाउड ही नहीं करते हैं, और उसी के चलते इनकी जो डॉग्स की मस्कुलैरिटी है, जो बोन स्ट्रक्चर है, वो है लाजवाब। तो किसी ने ऐसे प्यारे प्यारे से पप्स पाजी से लेने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन भी मैं पिंग कर दूंगा। तो पाजी एट प्रेजेंट पप्स हैं अपने पास? हाँ इसके हाँ पप्स पड़े हैं सभी, फ्रेंच मस्टर्ड भी पड़े हैं, हस्की भी पड़े हैं, जो मर्जी आप मेरे से ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो होपफुली कभी चक्कर लगेगा जरगड़ी पाजी के पास, तो आपको पप्स भी दिखाएंगे। वैसे अगर किसी ने लेने हो तो आप ले सकते हो, पाजी को कॉन्टैक्ट कर सकते। गाइज ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो दोनों डॉग्स हैं, ये वाइट वाले जो दोनों मेरे पास हैं, ये दोनों हैं इम्पोर्ट के, थाईलैंड इम्पोर्ट से, और इसका जो टाइम पीरियड है ये है 2 साल का और ये है 9 मंथ्स का। तो पाजी इनका जो लाइफ स्पैन रहता है हस्कीज का वो कितना रहता है?
सर वो भी 12-13 साल 12 to 13 जो मतलब नॉर्मल सबका रहता है। और इतने सारे आपके पास डॉग्स है पाजी, इनको मेंटेन करना टफ तो नहीं रहता? टफ नहीं, वैसे ही हो जाती है। अच्छा, मतलब बच्चों की तरह पाल रहे हो इनको है। पाजी ने बहुत वधिया तरीके नाल साडा रिगार्ड किया, तो पाजी बहुत बहुत थैंक यू। होप करते हैं कि आप फिर मिलेंगे, जरूर थोड़े को आवेंगे।